अभी तक हम लोगों ने बाल विकास के चैप्टर में पढ़ा है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है और अभिवृद्धि और विकास किसे कहते हैं। लेकिन अब इसके आगे हम बात करेंगे विकास के आयाम। किसकी बात करेंगे? विकास के आयाम की। ठीक है, विकास विकास बहुआयामी होता है और बहुआयामी होने के साथ साथ बहुदिशात्मक यानी कि मल्टी डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शन भी होता है। अब हम विकास के प्रकार पढ़ेंगे कि विकास कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हम जानेंगे कि इसमें शरीर का विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास क्या होता है? यह भी एक तरह से बालक के शरीर में शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है कि हमारी शरीर, हमारा जो मसल्स है वो हड्डियों की क्षमताओं को कंट्रोल कैसे करता है। ठीक है, जो गामक विकास होता है, गामक विकास मतलब गत्यात्मक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, इसे भी दो भागों में बांटा गया। गत्यात्मक विकास को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन कौन से हैं? दो भाग आपके हो जाएंगे फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल क्या होता है? फाइन मोटर स्किल होता है हमारा कि इसमें जो मसल्स होता है, जो मांसपेशियां होती हैं, उनका कम यूज होता है। जो फाइन मोटर स्किल्स में मसल्स का यूज कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप देख लेंगे, जैसे मैं देख लीजिए, हो जाएगा राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है? हमको मसल्स का यूज नहीं करना होता है, हमको बस इसमें अपने दिमाग का यूज करके हमको लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा कलरिंग। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कटिंग, उसके बाद हो जाएगा ब्रेकिंग चपाती यानी कि रोटी को तोड़ना, रोटी को खाना, ब्रेकफास्ट करना। ठीक है, ये हो जाएगा फाइन मोटर स्किल। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है? इसमें मसल्स का यूज ज्यादा होता है। इसमें मसल्स का यूज क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे स्विमिंग, तैरना, ठीक है, जंपिंग, जंपिंग कूदना, ठीक है, उसके बाद रनिंग, दौड़ना। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद हम विकास के प्रकार में जानेंगे कि क्या होता है। विकास के प्रकार में होता है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। ये सब विकास के प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद हम बाल विकास का जो अगला टॉपिक है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत में होता क्या है? इसके जो प्रकार हैं वो भिन्न भिन्न सिद्धांत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जैसे पहला हो जाएगा कि समान प्रतिमान सिद्धांत। ठीक है, समान प्रतिमान सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? इससे यह तात्पर्य है कि जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे हम हमारे पेरेंट्स के, हमारे पूर्वजों के अनुरूप ही हम अनुरूप ही उनके विकास का क्या करेंगे? प्रतिमान यानी उनका ही अनुसरण करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता जैसे करते रहेंगे, हम उनका देखकर वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे अब कोई जानवर हो गया, कोई
कोई भी हो गया, वो अपने ही पूर्वजों का, अपने ही पीढ़ियों का देखकर वह अपने अंदर विकास का अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये हो गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो बाल विकास के सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जाति, प्रत्येक जाति, हम एक जाति की बात नहीं करेंगे, हम प्रत्येक जाति की बात करेंगे, जो प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के अनुरूप के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या है, ये अपने ही जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव हो गए, हम हो गए, हम हमेशा अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े बुजुर्गों का जो क्रियाकलाप है, उनके अनुरूप के विकास के प्रतिमान का ही हम अनुसरण करेंगे। वो जैसे खाएंगे, जैसे पिएंगे, जैसे उठेंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे हंसेंगे, जैसे बात करेंगे, जैसे समाज में रहेंगे, हम भी उनका देखकर वैसे ही अनुसरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, विकास की दूसरा पॉइंट आता है विकास की सिद्धांत का दूसरा पॉइंट आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि विकास की दिशा जो है सिर से पैर की तरफ चलती है। ठीक है, जो सिर से, जो विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, मस्खा धोमुखी। ठीक है, मस्खा धोमुखी भी कहते हैं। हमेशा जो विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, जो इस फिगर में, पहले इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो क्या है, सिर से क्या है, पैर, सिर से क्या है, पैर की दिशा में आ रही है, इसको कौन सा, इसको क्या बोलेंगे, मस्खा धोमुखी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये वाला, ठीक, ये वाला है हमारे विकास के क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जो यह समीप हो तरफ होता है, तो यह समीप दूरभिमुख कहलाता है। ठीक है, यह विकास, या इसे हम यह भी कह सकते हैं कि विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, यह क्रम से चलने वाला है। विकास हमेशा क्या होता है, क्रम से चलता है। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत हमारा ये है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास हमेशा क्रम से चलता है, ये विकास सिर से पैर की तरफ है, और जिसको क्या बोलते हैं, मस्खा दोमुखी भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, किसी मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, तो यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, यानी कि विकास क्रम से चलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, क्या आता है, तीसरा पॉइंट, कौन सा सिद्धांत दिया है, दिया गया है तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत से तात्पर्य है हमारा, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है, इसकी जो गति है केवल मंद और तेज होती है, लेकिन यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। विकास क्या है, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसीलिए इस सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि यह निरंतरता का सिद्धांत है। तीसरा पॉइंट क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, जो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी केवल क्या होती है, गति
तेज या मंद होती है, बाकी ये चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, चौथा, सामान्य विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ठीक है, सामान्य से किसकी तरफ चलता है, विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, जैसे पहले तो धीरे धीरे हमने कभी उठना स्टार्ट किया होगा, फिर बैठना, फिर चलना, फिर हम दौड़ने लगे। जैसे एक शिशु जन्म लेता है जब, तो पहले तो वो धीरे 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 उठना शुरू करता है। ठीक है, फिर जब उठ जाता है तो धीरे धीरे सहारे से वो बैठना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो पकड़कर चलना स्टार्ट करता है, फिर वो चलते चलते एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि वह दौड़ने लगता है। तो यही क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। मतलब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो पहले सामान्य क्रिया करेंगे, फिर धीरे धीरे उसे हम विशेष बनाएंगे, वह विशिष्ट करेंगे, उसे विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा कि विकास जो है सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। ठीक है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये नहीं कि हम अगर शुरू में न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण में जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट आता है, जो हमारा अगला पॉइंट है वो दिया है पांचवा पॉइंट, वो है पूर्वानुमान सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। ठीक है, जो विकास है वो पूर्वानुमान होता है, जैसे कि हम जो भी विकास चल रहा होता है उसको देखकर उसका हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि यह अभी आगे चलकर किस दिशा में ज्यादा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है एकीकरण का सिद्धांत, छठा पॉइंट दिया है एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है इसे जान लेते हैं। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, बच्चों में कौन सा गुण पाया जाता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो वह क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। एकीकरण मतलब कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी, पूरे शरीर का कंसंट्रेशन उसी कार्य को करने में लगेगा जो हम कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट दिया है हमारा सातवां पॉइंट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, सातवां पॉइंट दिया है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी भी विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसका यही तात्पर्य है, जो व्यक्तिगत सिद्धांत है पॉइंट सेवन जो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, वो यही कहता है कि बच्चों का जो विकास होता है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में तेज होता है, किसी में वही विकास स्लो चलता है, किसी में फास्ट होता है, किसी में स्लो होता है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन होता है, अगर कक्षा में हम किसी बच्चे को कोई भी प्रश्न बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पूरे कक्षा में तरह तरह के बच्चे होते हैं और तरह तरह को, कोई तेज दिमाग वाला होता है तो उसी प्रश्न को जल्दी से समझ लेता है और कोई थोड़ा स्लो होता है तो उसी प्रश्न को थोड़ा दो तीन बार बताने में समझता है, लेकिन एक अध्यापक का, एक भावी टीचर का यही सिद्धांत है, यही पर्पज होना चाहिए कि वह कक्षा में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को समझे और उसको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करें। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट आठ,
वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, यह पॉइंट आठवां है। अब पॉइंट आठवां हम देखेंगे कि पॉइंट आठवां क्या दिया है। पॉइंट आठवां दिया है वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रगति का सिद्धांत। आठवां पॉइंट है वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि विकास कभी भी रखिए नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी आठवां पॉइंट दिया है हमारा वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत या सिद्धांत जो है इसमें क्या होता है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब कि वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, या कभी धीमी कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज, कभी तेज कभी धीमा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, कभी विकास ज्यादा हो जाएगा, कभी विकास कम होगा, कभी तेज होगा कभी धीमा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रगति का सिद्धांत। यह कभी भी रेखी नहीं होता है या कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है पॉइंट नाइन अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत इसमें क्या होता है, शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यह अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।